कोरोना वायरस यानी कोविड-19, इस वायरस ने लगभग 64 लाख लोगों को बीमार कर दिया है और 3,80,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया सबसे खतरनाक वायरस को झेल रही है, इससे लड़ रही है। अभी तक इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया को ऐसी परिस्थिति को झेलना क्यों पड़ रहा है? क्यों वायरस मनुष्य के शरीर पर आ गया है? दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर प्रकाश डालूंगा। इस धरती पर अद्यतन आकलनों के अनुसार 87 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियां हैं। हर प्रजाति में कुछ हजार से लेकर अरबों की संख्या हो सकती है। वायरस की लगभग 8 लाख प्रजातियां हैं और बैक्टीरिया की लगभग 10 लाख से ज्यादा। वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही इन प्रजातियों में से 99% से अधिक के बारे में अभी तक कोई अध्ययन नहीं हो सका है। वायरस और बैक्टीरिया अक्सर किसी होस्ट यानी मेहमान या यूं कहिए किसी के शरीर के सहारे ही रहते हैं, जैसे पैरासाइट। मसलन ये बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से किसी निर्जीव स्थान पर नहीं रह सकते हैं, बल्कि वे किसी सजीव, किसी जानवर, किसी पशु, किसी पक्षी या फिर मनुष्य के शरीर पर ही जीवित रहते हैं। जंगलों के कटने, लाखों प्रजातियों के विलुप्त हो जाने से बैक्टीरिया और वायरसों के स्वाभाविक होस्ट भी खत्म हो जा रहे हैं। होस्ट मतलब घर। इसलिए अब यह इंसान को अपना होस्ट चुन रहे हैं, पहले से कहीं अधिक तेजी से। वैसे भी इंसानों की संख्या भी बढ़ी है और बैक्टीरिया और वायरस से उनकी नज़दीकियां भी। इस बात को आप कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। जापानी इन्फेसलाइटिस धान की खेती और सुअर पालन के माध्यम से इंसानों में आया है, ऐसा माना जाता है। ऐसा यह भी माना जाता है कि इबोला भी इंसानों के वाइल्ड लाइफ से नज़दीकी की वजह से आया है। रैबीज वैम्पायर चमगादड़ों से मनुष्य में अमेरिका में आया, क्योंकि वहां जंगलों के सफाया होने से चमगादड़ इंसानों के करीब आए थे। चमगादड़ हजारों वायरसों के होस्ट होते हैं। जंगलों के साफ होने से ये चमगादड़ मनुष्य के अधिक करीब आ चुके हैं। सार्स वायरस भी सिवेट बिल्ली के द्वारा मनुष्य में आया, ऐसा माना जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा मुर्गियों से इंसान में आया, ऐसा माना गया है। और अब कोविड-19 के बारे में भी चर्चा है कि यह वायरस चमगादड़ या पैंगोलिन के माध्यम से इंसान में आया है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के खत्म होने से वैसे तो कई नुकसान हैं, लेकिन ग्लोबलाइज्ड दुनिया के लिए वायरल पैंडेमिक आने वाले समय में सबसे बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। तो इस विषय से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जंगलों का सफाया हो रहा है, जिस प्रकार से हमने पूरी प्राकृतिक इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, वायरस को अब अपना होस्ट मनुष्य को बनाने के लिए हमने ही मजबूर किया है। हम सबको इस चीज़ को समझना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।